नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 का सवाल है। क्वेश्चन सेज टू स्लिट्स इन YDSA एक्सपेरिमेंट हैव विड्थ्स इन द रेशियो ऑफ 1:25। सवाल है कि द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट द मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द इंटरफेरेंस पैटर्न I मैक्सिमम डिवाइड बाय I मिनिमम विल बी, और हमारे ऑप्शन है 49/121, 4/9, 9/4 या फिर 121/49। अगेन सिंपल सवाल है, अपने को यहाँ पे दिया हुआ है कि इंटेंसिटी का रेशो I1/I2। ये अपने को पता है कि इंटेंसिटी का रेशो, इसको हम कई बार क्लास में कहते हैं कि इफ़ इट इज़ नॉट गिवन अदरवाइज इंटेंसिटी का रेशो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ का रेशो। तो इंटेंसिटी का रेशो हम लिख सकते हैं विड्थ का रेशो, दो आपके स्लिट्स जो हैं, तो ये हो गया 1/25। ये आपका इंटेंसिटी का रेशो आ गया। अनटिल अनलेस स्पेसिफाइड इंटेंसिटी का रेशो और विड्थ का रेशो सेम होता है। कुछ सवालों में हम कहते हैं कि विड्थ के रेशो से आपकी एम्पलीट्यूड का रेशो विड्थ का रेशो है, तो उस केस में क्योंकि आपका आई एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है तो उस केस में विड्थ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बट इस केस में विड्थ के प्रोपोर्शनल ही रहेगा। नाउ हमें ये बताना है कि आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आई मिनिमम का रेशो क्या होएगा। नाउ आई मैक्सिमम और आई मिनिमम को हम लिख सकते हैं √(I1) प्लस √(I2) डिवाइडेड बाय √(I1) माइनस √(I2) का होल स्क्वायर। अगर न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को अगर हम √(I2) से डिवाइड कर लें, सो ये रेशियो बन जाएगा √(I1) डिवाइडेड बाय (I2) प्लस 1 डिवाइडेड बाय √(I1) डिवाइडेड बाय √(I2) माइनस 1, राइट, इसका स्क्वायर। नाउ ये वैल्यू अपने को ऑलरेडी गिवन है 1/25, उसका जब हम रेशो करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5, 1/5 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/5 माइनस 1। एलसीएम लेंगे, ऊपर 5 आएगा, ऊपर बन जाएगा 5 + 1 यानी कि 6, नीचे बन जाएगा 1 माइनस, इसका स्क्वायर करना है हमने, नीचे बन जाएगा 4, ठीक है। सो ये आपका दिस विल बी इक्वल टू 6/4 का स्क्वायर। अब 6/4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 2 पहले कैंसिल हो जाएगा, 9/2 का स्क्वायर, सॉरी 3/2 का स्क्वायर आ जाएगा 9/4। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर C 9/4 वुड बी द राइट आंसर।